जनरल डिंपी साहब ने कहा कि भारत की सेना हमेशा से विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से रही है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हुए प्रत्येक संघर्ष में हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड ने अनेक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हमेशा अदम्य साहस से अब विश्व को दिखला दिया कि शांति का उपदेश देने वाली हमारी पुण्य भूमि समय आने पर अपने शौर्य और पराक्रम के द्वारा दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखती है, मुंहतोड़ जवाब देने की शक्ति रखती है। आज संपूर्ण विश्व भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि कोई भी दुश्मन अब हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। भाई बहनों, एक समय था कि जब अलगाववादियों की, जिहादियों की, आतंकवादियों की या दुश्मन की गोली आती थी तो देश के सैनिकों को जो सीमा पर 24 घंटे तैनात होकर देश की रक्षा करते थे, उनको पूछना पड़ता था कि उस पार से गोली आई है, दुश्मन की गोली आई है, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन आज दुश्मन की गोली का जवाब सैनिकों को पूछने की जवाब नहीं पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं आदरणीय रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारे सैनिकों को किसी भी प्रकार के सैन्य साजो सामान के भी कमी का भी कहीं सामना नहीं करना पड़ता है। मैंने देखा है, क्योंकि मेरा बचपन सेना के साथ ही बीता है और मैं देखता था कि बहुत सारे जो ऑपरेशन मेघदूत में जिन्होंने काम किया, सियाचिन में काम किया, -10 डिग्री तापमान में जो काम करते थे, उनके पैरों में जो है इन्फेक्शन हो जाता था, यहां तक कि पैर काटने तक की नौबत आ जाती थी। लेकिन एक लंबा कालखंड बीत गया, अच्छे ना तो उनको जैकेट मिल पाते थे, ना अच्छे बूट मिल पाते थे, ना अच्छे औजार मिल पाते थे। आज सेना को लगातार अच्छे सैन्य साजो सामान की किसी प्रकार की कमी नहीं होने दे रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी लगातार सैनिकों के विश्वास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने एक सैनिक पुत्र के नाते राष्ट्र सेवा के प्रति हमारे वीर जवानों के जज्बे को बहुत करीब से देखा है। अभी जिसका जिक्र जनरल डिंबी साहब कर रहे थे, यहां से कुछ दिनों पूर्व मैं अपने आवास पर 15 महारेजिमेंट के उनके स्थापना दिवस पर महारेजिमेंट के सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों से रात के भोजन पर मिला। उनसे मिलकर मुझे अनायास ही अपने पूज्य पिताजी के साथ बचपन में बिताए हुए दिनों की याद ताजा हो गई और उनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा, मैं बहुत भावुक हो गया था। मुझे लगा कि जैसे अपने बिछड़े हुए परिवार से बरसों बाद फिर से मिलने का मुझे अवसर मिला। हमारे यूनिट के साथी हमारे परिवार ही तो है, क्योंकि हम परिवार से अधिक समय इन्हीं साथियों के साथ बिताते हैं। यही कारण है कि एक सैनिक का दूसरे सैनिक के साथ एक भाई जैसा नाता होता है। और मैं जब सागर गया तो मैंने एक चीज को बहुत नजदीक से नोटिस किया कि एक सेना का जो सबसे बड़ा पद होता है जनरल का, सबसे बड़ा दायित्व भी होता है, लेकिन एक सामान्य जो हमारे सैनिक होते हैं, सिपाही के साथ भी उनका जिस प्रकार का प्रेम व व्यवहार होता है, जिस प्रकार का मन में सम्मान होता है, ये वास्तव में सभी के लिए अनुकरणीय है कि अपने साथ काम करने वाले चाहे कोई कनिष्ठ अधिकारी हो, कोई सामान्य अधिकारी हो या कोई सामान्य जवान हो, उसके साथ जो व्यवहार सेना के अंदर किया जाता है। मैंने अपने यहाँ अपने जो हमने 3 दिन का चिंतन शिविर यहाँ पर किया था, IAS IPS अधिकारियों को भी मैंने उस घटना को बताया कि मैं महारेजिमेंट सेंटर में जब गया तो जनरल
बीसी कनौज का वहाँ उनकी वो आए थे उस कार्यक्रम में। तो मैं एक वहाँ के जो एसएम थे महारेजिमेंट सेंटर के, वो सवेरे से जब वहाँ पर इंतजार कर रहे थे और जब मैं लौट कर दोबारा वहाँ गया तो मैंने कहा कि ये एसएम साहब तो तब से खड़े हैं। तो जनरल साहब बोले पनप्पा साहब कि ये हमारे एसएम साहब हैं और ये यहाँ के महारेजिमेंट के एसएम हैं और बहुत आदर से उन्होंने नाम लिया। वो मेरे दिल को छू गया। मैंने सोचा कि आज ये वेटरन्स डे है और माननीय रक्षा मंत्री जी इस मंच पर उपस्थित है तो आप सबके सामने इस घटना का जरूर जिक्र करूं। यही हमारी ये माननीय पक्ष हमारी सेना की पहचान है। आज का यह वेटरन्स डे कार्यक्रम भी इसी सेना इसी मानवीय पक्ष का एक जीवंत उदाहरण है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर लगातार सैनिक कल्याण के लिए काम कर रही है और उसका एक बड़ा उदाहरण है कि हमारे एक सैनिक के रूप में जिन्होंने अपने जीवन सेना में लगाया, अपने जीवन की शुरुआत की, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी सैनिक कल्याण मंत्री के रूप में तमाम चीजों को आज हम लोग सब लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सान्य धाम माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिसका यहाँ पर विधिवत रूप से शिलान्यास किया था, वह तेजी से उसका काम आगे चल रहा है और हमने तय किया है कि इस वर्ष दिसंबर माह तक सैन्य धाम का हम निर्माण कार्य पूरा कर देंगे। इसी के साथ सैनिकों के वेलफेयर के लिए लगातार जितने भी मामले आते हैं, पिछले दिनों हमने गैलेंट्री अवार्ड से हमारे सेना के चक्र विजेता हैं उन सभी की जो धनराशि है उसको बढ़ाने का काम किया है। वेटरन्स की हमारी जो वीरांगनाएं हैं उनकी जो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी करने का हमने निर्णय किया है। अनेकों अनेकों ऐसे कार्य कर रहे हैं। मैं आपके इस शुभ अवसर पर देहरादून कैंटोनमेंट के बेस्ट वंडर जो पहला कार्यक्रम है इसकी पहल कार्यक्रम की मैं सराहना करता हूं। यह पहल हमारी राजधानी को सुंदर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि आने वाली पीढ़ी सैनिकों के पराक्रम वीरता से भली भांति परिचित हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए आज शौर्य स्थल का भी विधिवत रूप से आज उद्घाटन हुआ है। वैसे जब भी आप जैसे वीर सैनिक सम्मुख होते हैं तो मन में बहुत सारी बातें होती हैं कि मैं आपके सम्मुख रखूं, परंतु आज समय की बाध्यता भी है और सेना का अनुशासन भी है और श्रद्धे राजनाथ सिंह जी यहाँ विराजमान है तो आदरणीय रक्षा मंत्री जी का ही प्रेरक उद्बोधन होना है जिसको हम सबको प्रतीक्षा है। अंत में एक बार पुनः मैं आप सभी को आज के वेटरन्स डे की बहुत शुभकामनाएं देते हुए और एक चार लाइन की कविता आपके सामने रखते हुए, देश रक्षा जिसका काम, रण कौशल जिसका बेमिसाल, देख जिसको घबराए काल, बुरा होता दुश्मन का हाल, जिसकी रग रग में हिंदुस्तान है, वो भारत का वीर जवान है, वो भारत का वीर जवान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आकर सभा को संबोधित करें और भूतपूर्व सैनिकों को अभिप्रेरण करें। उत्तराखंड के एकेडमिक चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री गणेश जी जोशी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, स्थानीय सांसद एंड लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यू जीओसी, मेजर जनरल रिटायर्ड एम एल अस्वाल, प्रेसिडेंट उत्तराखंड एक्स सर्विसमैन ली आर्म फोर्सेस के सभी सीनियर ऑफिसियल और मेरे बहादुर जवानों, सभी सम्मानित वेटरन्स, वीर नारियां और उनके परिजनगण, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, इस कार्यक्रम में आने के पहले मैं वार मेमोरियल पर गीत लेने के लिए गया था।
मुझे यह जानकारी दी गई कि आज जो उसका भव्य स्वरूप हमको देखने को मिला है उस पर कुछ ही वर्षों पहले काम प्रारंभ हुआ था। बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन मुझे इस बात की भी जानकारी है कि जो उस समय सांसद हुआ करते थे राज्यसभा में, श्री तरुण विजय जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। समाज के जिस भी व्यक्ति का यदि हमारे वार मेमोरियल बनाने में अथवा हमारे वेटरन्स के लिए किसी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। तो मैं तरुण विजय जी को भी इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। देवी और सज्जनों, आज 7th आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस डे पर आप सभी लोगों के बीच होना यह हमारे लिए एक अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा यह भाषण समाप्त होने के बाद आप तुरंत अपने स्थान से उठें ना, क्योंकि एक बार मैं यहां से चलकर वहां तक आपके पास आकर आप सभी का अभिवादन करना चाहूंगा, इसलिए मैंने यह आप सबसे अनुरोध किया। मुझे जानकारी दी गई है कि देश भर से अलग अलग जगहों पर इस तरह के वेटरन्स के आयोजन किए जा रहे हैं, और ऐसे आयोजन मैं मानता हूं कि समाज द्वारा हमारे वेटरन्स को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और जनरल डिविजन ने भी बताया, इंडियन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा 1953 में आज ही के दिन औपचारिक रूप से वह रिटायर हुए थे, और उसी दिन को आज हम वेटरन्स डे के रूप में मनाते हैं। आज से 7 वर्ष पहले सरकार ने आर्म फोर्सेज वेटरन्स और उनके परिजनों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित करने का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मेरा खुद का पूरा प्रयास रहता है कि मैं इन इवेंट्स में जरूर पहुंचूं और लोगों के साथ में सीधा संवाद स्थापित करूं। और जब से मैंने रक्षा मंत्री के रूप में दायित्व संभाला है, मैं लोगों के बीच जाता हूं और अपने सम्मानित वेटरन्स के साथ में सीधा संवाद भी स्थापित कर रहा हूं। पिछली बार अन्य किसी स्थान पुणे संभवतः में गया था, और पहली बार जो वेटरन्स के बीच में गया था वह जयपुर में गया था। मैं हमेशा की तरह आपके बीच में हूं और आगे भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि कुछ भी हो पर हमारे वेटरन्स को लेकर कोई आयोजन होता है तो मैं उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से शिरकत करूं। जब मेरे यहां आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है, तो मैंने कहा ठंड से मुझे डराया क्यों जा रहा है, रात्रि में भी -14 देश का गृह मंत्री रहते हुए होम मिनिस्टर रहते हुए -14 डिग्री के टेम्परेचर में मैं रात को मैं रुक चुका हूं, तो देहरादून में आने में किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए, किस प्रकार का संकोच होना चाहिए। हमारे वेटरन्स को लेकर कोई आयोजन अगर हिमालय पर भी या सियाचिन में भी होता है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा और उनसे मुलाकात करके आऊंगा, और मैं आज आप लोगों के बीच यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद ही मैंने उस समय के आर्मी चीफ और बाद में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल बिपिन जी रावत, उनसे दूसरे दिन ही जिस दिन मैंने शपथ ग्रहण की थी और यह रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी, मैंने उनसे आग्रह किया था कि मैं सियाचिन जाना चाहूंगा और कुमार पोस्ट पर जाकर वहां के नौजवानों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। साथियों, आज सारा देश समृद्ध के इन पर्वों को एक साथ मना रहा है, चाहे वो पर्व हमारे लोहड़ी के हों, बिहू हों, पोंगल, मकर संक्रांति। तो इन पर्वों की भी मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।